अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो SEO की असाइनमेंट नंबर 2 है उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 19/12। बहुत ही आसान असाइनमेंट है, तो चलें इसकी रिक्वायरमेंट को हम स्टडी करते हैं फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये असाइनमेंट आपने वर्ड के अंदर बनानी है, यानी कि MS वर्ड आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा सिनेरियो है, ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके अंदर आपने क्या करना है कि जो digiskills.pk यानी कि जिस वेबसाइट के ज़रिए हम अपने कोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं वो LMS है, लेकिन ये दूसरी जो digiskills.pk ये सिंपल वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है और इसका आपने साइट मैप चेक करना है, उसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है और अपने सोल्यूशन में प्रोवाइड करनी है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास ऑनलाइन साइट मैप बनाने वाला एक टूल है, ये ऑनलाइन वर्किंग करता है। किसी भी वेबसाइट का आप लिंक ऐड करेंगे इसमें तो ये उसका साइट मैप जनरेट करके आपको देगा। फिर आपने उसी digiskills.pk आपने ये लिंक इसे साइट के अंदर एंटर करके उसका जो साइट मैप है वो आपने जनरेट करना है और उसकी भी आपने स्क्रीनशॉट देनी है। तो टोटल हमारे पास सिर्फ 2 स्क्रीनशॉट आएंगी जो वैसे digiskills ने हमें रिक्वायर्ड किए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये टास्क हैं, इसको आपने ऐसे कॉपी कर लेना है और आपने वर्ड का एक नया डॉक्यूमेंट आपने बना लेना है और उसके अंदर आपने जाके इसको पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब जैसे जैसे हम इसको कवर करेंगे वैसे वैसे इसके नीचे स्क्रीनशॉट भी ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास जो पहला टास्क है वो ये है कि आपने digiskills.pk वेबसाइट ओपन करनी है। ये वाली जो लिंक हमें यहाँ पर प्रोवाइड है इसको आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी प्रेस करना है, कॉपी हो जाएगी, या राइट क्लिक करके आपने कॉपी कर लेना है। फिर आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर आपने सर्च बार के अंदर वही लिंक आपने पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है। तो आपके पास इस digiskills का जो साइट मैप है वो ओपन हो जाएगा, इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप प्रिंट स्क्रीन का जो बटन है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस कर सकते हैं, या विंडो 10 के अंदर ये जो स्नैपिंग टूल है, ये स्नैपिंग टूल है, इसकी मदद से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीनशॉट के डिफरेंट मेथड है, विंडो के स्निप है जिसमें आप जो भी विंडो करंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट क्लिक करते ही उतर जाएगी। तो डिफरेंट मेथड हैं स्क्रीनशॉट लेने के। फिल वक्त हम प्रिंट स्क्रीन का जो नॉर्मली बटन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। तो कीबोर्ड के ऊपर से आपने प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करना है और आपकी स्क्रीनशॉट उतर जाएगी। और सिंपली आपने इसी के नीचे आपने ये टास्क नंबर 2 के अंदर आपकी जो स्क्रीनशॉट आएगी वो आएगी एग्जिस्टिंग साइट मैप, यानी कि जो पहले इसका मौजूद है, यहाँ पर आपने वो पेस्ट कर लेनी है। पहली टास्क जो हमारा था वो हमने विजिट कर लिया है, इसकी स्क्रीनशॉट हमें नहीं चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपने ये वाली जो ऑनलाइन वेबसाइट है XML साइट मैप, इसकी लिंक आपने कॉपी करनी है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन होगी अलाउ करने की। तो पहली बार ये एक बार अलाउ का ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ पर अलाउ पर क्लिक करना है तो ये साइट खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। जब ये वेबसाइट ओपन हो जाए तो अगला टास्क हमारा यही था कि आपने ये जो URL है digiskills.pk इसको आपने ऐसे कॉपी कर लेना है। याद रहे ये digiskills.pk वाला URL है, ये lms.digiskills नहीं है। तो आपने www.digiskills.pk ये वाला आपने कॉपी करना है, यहीं से आपने कॉपी करना है और इस वेबसाइट के अंदर आपने जाके कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपने जो स्पेसेस होंगी वो ख़त्म कर लेनी है। फिर दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। वैसे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी चाहें तो वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये टास्क नंबर 3 के नीचे 3 और 4 की हमारी यही स्क्रीनशॉट आएगी। इसके बाद दोस्तों आपने स्टार्ट पर क्लिक करना है, इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये टाइम लेगी थोड़ा सा, थोड़ी सी 1-2 मिनट, 1.5 मिनट, यानी कि यहाँ पर देखें मेरे पास 1 मिनट 19 सेकंड लगे थे पहले मैंने इसको एक बार रन किया था, जिसकी वजह से ये फ़ौरन ही कंप्लीट हो गया है।
तो एक मिनट के बाद आपके पास ये वाला मैसेज आ जाएगा कंप्लीटेड का। इसके बाद आपने व्यू पर आपने क्लिक करना है, व्यू साइड मैप डिटेल, स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है। यहाँ पर हमारे पास इसकी जो लिस्ट है वो जनरेट हो गई है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। व्यू करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया है, इसकी हम स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो अगला टास्क है वो यही था कि आपने सारी स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट करनी है। टोटल वैसे 2 स्क्रीनशॉट हमें रिक्वायर्ड की गई हैं इसे सॉल्यूशन के अंदर। इसको फुल स्क्रीन देखने के लिए आपने यहाँ पर फुल मैप पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसकी जो साइड मैप है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह हमारे जो टास्क हैं वो कवर हो गए हैं। टोटल 2 स्क्रीनशॉट थी, वो हमने दोनों ही पेस्ट कर ली हैं। इसको आपने सेव कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है LMS वाली, और यहाँ पर आपने अपनी ID को लॉगिन करना है। इसके बाद आपने एक्सरसाइज के अंदर आपने चले जाना है, और यहाँ पर आपने सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है, और चूज़ फाइल में आपने वही फाइल सिलेक्ट करनी है जो आपने सेव की होगी। इसके बाद आपने सबमिट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इस तरह आपकी जो असाइनमेंट है वो अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आपने अपने सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।